जैसा कि हम सबको मालूम है कि किस तरह से गोरखपुर के आसपास का इलाका और स्वयं गोरखपुर भी बाढ़ की चपेट में आने से बुरी तरह से प्रभावित होता है, इसी उद्देश्य से राज्य आपदा प्रबंधन टीम की ओर से एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें उन उपकरणों को रखा गया जिसकी मदद से रेस्क्यू किया जाता है। इनमें मुख्य रूप से लाइफ सेविंग बोट्स, लाइफ सेविंग जैकेट्स और ऑक्सीजन मौजूद रहे। राज्य आपदा प्रबंधन टीम की ओर से यह प्रदर्शनी व्यापक तौर पर लगाई गई थी, जिससे कि सामान्य लोगों को भी इन उपकरणों के बारे में जानकारी मिल सके कि वह किस तरह से काम करते हैं। इसके बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राज्य आपदा प्रबंधन टीम के LB शर्मा ने बताया, एक आज का कार्यशाला रखी हुई है, इसमें मुख्यतः लेखपाल हैं, जो आपदा मित्र हैं, तहसील के जो कर्मचारी हैं उनको हमने शामिल किया है, ताकि जो हम इनको ट्रेनिंग देंगे तो कम्युनिटी लेवल तक ये मल्टीप्लाई करें और इन्फॉर्म करें और अवेयर करें। सर, अभी तक कहाँ कहाँ ये ट्रेनिंग कराई गई है? गोरखपुर जनपद के साथ